एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आई हूँ, जो है मेरा। आज मैं बहुत सारा शॉपिंग की हूँ और आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं बहुत सारा लहंगा और गाउन ड्रेस जो शॉपिंग की हूँ। तो आप लोग ने बोला कि मैम आप सिर्फ ड्रेस लाती हैं तो आप लोग मेरे साथ शेयर नहीं करती, दिखाती नहीं है कि कहाँ से परचेज करती हैं और कैसा ड्रेस रहता है। तो आपका बहुत प्यारा ड्रेस है तो आप ज़रूर दिखाइएगा और हम लोग के साथ शेयर करिएगा, तो मैं हम लोग भी लेंगे। तो मैं उसके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ, जो मैं सारे जो लहंगा वीडियो में पहनी हूँ और पहनूँगी वो सारे लेकर आई हूँ आप लोग को दिखाने के लिए, कि आप लोग जो अगर परचेस करना चाहें मंत्रा से तो आप लोग ले सकते हैं। काफ़ी अच्छा और काफ़ी रेजनेबल रेट में और काफ़ी खूबसूरत सा लहंगा, मेरे दो तीन लहंगा ड्रेस मैंने ली है और दो तीन गाउन है मेरे पास, गाउन पूरे गाउन जैसा ड्रेस है। और ये जो मैं पहनी हूँ अभी, ये भी मैंने मंत्रा से ही परचेज की थी। काफ़ी अच्छा है और काफ़ी ब्यूटीफुल कलर है इसका, मैरून कलर है। आप लोग बता सकते हैं कि कैसे लग रहे हैं इसको पहनने के बाद। और ये मैं पहले ही पहन ली थी ताकि इस पर वीडियो शूट हो जाए और आप लोगों को दिखा भी सकूँ। काफ़ी प्यारा सा घेरा है और मरून कलर मेरा फेवरेट कलर है, क्योंकि शादी के बाद तो डार्क कलर काफ़ी अच्छे भी लगते हैं, तो इसलिए मैंने डार्क इसके साथ ईयरिंग्स और चौकर डाल के मैं ये वीडियो शूट की और आप लोग को दिखाए भी। आप लोग ज़रूर बताएं कि मैं कैसी लग रही हूँ उस ड्रेस के साथ। और आगे भी मैं बहुत सारा ड्रेस आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि मैं मंत्रा से परचेज की हूँ। अगर आप लोग को चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, वहाँ से आप लोग परचेज कर लेना। बहुत ही ब्यूटीफुल कलर है और बहुत ही प्यारा और बहुत ही चीप रेट में इतना अच्छा अच्छा सस्ता सस्ता लहंगा मिला हुआ है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ वीडियो को और आप लोगों को दिखाती हूँ। और मैं सारे जितने भी ड्रेस मंगाए हूँ वो सारे वीडियो आप लोग के साथ ज़रूर उस ड्रेस को पहन के वीडियो शेयर करूँगी। तो आप लोग वेट करना और देखना मेरे वीडियो को, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना। तो मैं इस तरह से अच्छे अच्छे वीडियो आप लोग के लिए लेकर आती रहूँगी और आप लोग को दिखाती रहूँगी। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। ये रहा मेरा ऑरेंज कलर का लहंगा, ये देखिए कितना प्यारा सा है ये लहंगा, जो मैं मंत्रा से मंगाई हूँ। काफ़ी प्यारा सा कलर है इसका, इस पर ये आईना, ये बहुत ही जड़ी वाले वर्क हो रखे हैं और बहुत ही प्यारा सा कलर। तो मैं इसको निकाल के दिखाने वाली हूँ और इसका मैं ब्लाउज भी बना ली हूँ, सिलवा ली हूँ। बहुत ही प्यारा सा कलर है और ब्लू और पिंक कलर का मिश्रण है इसका। इसको मैं खोल के दिखाने वाली हूँ आप लोग के साथ। अगर आप लोग मंत्रा से अगर चाहे तो मंगा सकते हैं इस लहंगे को, मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी। ये रहा इसके प्यारा, मैं इस ब्लाउज भी सिलवा ली हूँ, बहुत ही प्यारा इसका ब्लाउज और कलर है इसका गोल्डन में, और गोल्डन कलर का ब्लाउज है और सितारा मतलब शीशे का आई बना हुआ है पाइपिंग, बहुत ही प्यारा है। और इसका मैं 3/4 ब्लाउज सिलवाई हूँ, ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये आईना आईना शीशा शीशा टाइप का बना हुआ है गोल गोल, इसका बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो और मैं लहंगा दिखा रही हूँ इसके साथ, और इसके साथ मैं वीडियो लेकर आऊँगी जो होगा बहन के शादी में पहनने वाला मेकअप या भाई के शादी में, इस तरह का वीडियो लेकर आऊँगी मैं और ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी। इसका भी मैं छोटा सा स्किप भी दिखाऊँगी, अभी पहन के भी दिखाऊँगी आप लोगों को। तो आप लोग को वीडियो पूरे लंबे देखना होगा और वेट करना होगा कि मैं पहनने के बाद किस तरह से लग रही हूँ। ये देखिए इसका प्यारा सा दुपट्टा है ब्लू कलर का, और ये बहुत ही प्यारा प्यारा सा घेरा है, गोल्डन गोल्डन वर्क है। और इस पर जो पाइपिंग बना हुआ है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, इस पर जो शीशा तक की तरह आईना की तरह वो बना हुआ बॉर्डर, वो मेरे को बहुत ही पसंद आया इसमें। ये देखिए और बहुत ही चमक रहा, और दुपट्टा काफ़ी बड़ा है, ये नहीं भी छोटा है। ये देखिए इस तरह से दुपट्टा में है, ये देखिए ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा है।
और मंत्रा का तो प्रोडक्ट अच्छा होता है, वहाँ से हम जब भी रिजनेबल रेट में अच्छे सस्ते में अच्छे लहंगे मिल जाते हैं। और आप करवा चौथ में इस तरह का पीस में लहंगा पहन सकते हैं। तो ये है दुपट्टा, इसका बहुत ही प्यारा और बहुत ही हैवी सा लुक आएगा पहनने का। और ये रहा नीचे का लहंगा है, ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा लहंगा है, ये बहुत ही प्यारा सा लुक आएगा ये पहनने के बाद। और पिंक कलर में है लहंगा और ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन है इसके साथ, और वजड़ी का वर्क है, और जो शीशे वाले जो स्टोन बना वो बहुत ही मेरे को पसंद आ रहा है। फाइनल हमको इतना पसंद आ रहा है कि मैं सोच रही अभी पहन के आप लोगों के साथ शेयर कर रही और दिखाऊंगी कैसी लग रही है, आप लोग भी देखो और बताओ कमेंट बॉक्स में। और इसके साथ मैं मेकअप का वीडियो ज़रूर लाऊंगी, बहुत ही मेरा फेवरेट कलर है और फेवरेट लहंगा है ये देखिए, और बहुत ही सस्ते रेट में अच्छे कपड़े मिल गए हैं ये देखिए। इस तरह का ज़्यादा वो नहीं बना हुआ है, क्या बोलते हैं, घेरा भी नहीं है और हैवी भी है, तो इस तरह से है लहंगा, बहुत ही खूबसूरत है ये कलर आप देख सकते हैं, ये रहा इस तरह से है लहंगा। और इस और कम प्राइस में भी अच्छा सा लहंगा है। और आप इस तरह के लहंगे को करवा चौथ, तीस, शादी, पार्टी वेयर, एंगेजमेंट, रिसेप्शन सब में पहन सकते हैं। तो आप ज़रूर मंगाएं इस तरह का, अगर आप लोग को चाहिए तो मैं लिंक डाल दूंगी और कितने में ली हूँ प्राइस भी डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग चाहे तो वहाँ से परचेज कर लेना। तो ये देखिए प्यारा सा कलर है इसका और बहुत ही खूबसूरत सा लगने वाला है, मैं वीडियो शेयर करूंगी आप लोग को। ये देखिए इसका गोल्डन गोल्डन का जो आई बना हुआ आईना जो इतना लाइट कर रहा है, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है ये देखिए। और हैवी भी है, थोड़ा वज़न भी है, बट ये है ना कि पहनने के बाद थोड़ा हैवी चीज़ अच्छा लगते हैं, शादी वगैरह में पहनो तो आप हल्के में तो कुछ पहन नहीं सकते हो, तो आप हैवी में ही पहनोगे, तो थोड़ा तो हैवी है बट पहनने के बाद लुक काफ़ी अच्छा आने वाला है। ये देखो इसका जो आईना है वो बहुत ही क्यूट है, बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि ये चमक रहा है ऐसे करने के बाद ना, ये लाइट शीशे की तरह चमक हो रहा है, जैसे जो वर्क कहते हैं ना वो वर्क है उस पर आईने वाली, जो राजस्थानी जो बॉर्डर जो कहते हैं ना उसी टाइप का है इसमें स्टोन का वर्क, और बहुत ही प्यारा पिंक कलर का है और ब्लू का कॉम्बिनेशन है, कलर भी बहुत ही प्यारा है और पार्टी वियर कलर है, ये नहीं कि रेड रेड में है। और इस तरह का है ये मेरा ये लहंगा, तो मैं इसके साथ वीडियो आप लोग को ज़रूर शेयर करूँगी और बताऊँगी और दिखाऊँगी आप लोगों को कैसा लगा, तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। और इसका ये दुपट्टा मैं दिखा चुकी हूँ, तो ये रहा मेरा ये लहंगा, तो मैं सेकेंड लहंगा आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सिंपल सा है बट सुपर है इसका ये ब्लाउज है, मैं इस ब्लाउज को करवा चौथ में पहनी थी इस लहंगे को, तो मैं सोची आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो ये मेरा सेकेंड लहंगा है जिसको मैं ब्लाउज सिलवा चुकी हूँ, देख सकते हैं ये प्यारा सा रेड कलर का मेरा ये लहंगा का ब्लाउज़ है, बहुत ही खूबसूरत सा जो मैं करवा चौथ में पहनी थी ये ब्लाउज़, और ये बहुत ही खूबसूरत सा लगा था। मैं इसका पिक्स आप लोग को ज़रूर शेयर करूँगी इस वीडियो के साथ ही, बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा था, सब पहनने के बाद बहुत ही तारीफ़ कर रहे थे। और जो इसमें जो बुटीक बना हुआ पाइपिंग जो बना हुआ है बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन गोल्डन का मोती जैसा बना हुआ, इसके बाद ये पहनने के बाद जो बहुत ही खूबसूरत सा लुक आया था ये ब्लाउज़ का, मैं डीप में सिलवाई थी ये ब्लाउज़, बहुत हम ब्लाउज़ का भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बट साड़ी में साड़ी और लहंगे का जब शेयर हो जाए मैं पहन के साड़ी आप लोगों को दिखा दूँ, उसके बाद मैं ब्लाउज़ का भी वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि बहुत सारे मैं ब्लाउज़ रखी हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, बहुत सारा अच्छा अच्छा सा ब्लाउज़ है।
तो इस तरह से मैं करवा चौथ में ये पहनी थी। रेड कलर और गोल्डन का कम्बिनेशन था इस पर, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ये भी मैं मंत्रा से ही मंगाई थी और बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा था। इसका पिक्स मैं अभी इस वीडियो के साथ ही शेयर करने वाली हूँ। तो इसका ये ब्लाउज़ है, मैं सेकेंड लहंगा जो दिखा रही हूँ उसका वो ब्लाउज था। और इसके साथ ये पहले निकाल लेते हैं, और इसके साथ ये दुपट्टा है, बहुत ही प्यारा सा क्रीमी कलर में है ये दुपट्टा। ये देखिए, ज़्यादा हैवी भी नहीं है और ज़्यादा वो है, शोवर है, सिंपल शोवर जिसको बोलते हैं वो है। हल्का हल्का सा स्टोन बना हुआ, पाइपिंग लगा हुआ है ये शीशे की पाइपिंग। ये देखिए कितना प्यारा सा है, इस तरह से है। और बहुत ही प्यारा सा लुक आया था पहनने के बाद, बहुत ही स्टैंडर्ड जो लुक बोलते हैं ना वो आया था, बहुत ही प्यारा लगा था इसको पहनने के बाद। मैं इसके साथ रिव्यू ज़रूर शेयर करूँगी और फोटो। और दुपट्टा बहुत ही सिंपल, मंत्रा का तो प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा होता है, वहाँ से रिजनेबल रेट में कपड़े भी मिल जाते हैं और सस्ता। आप हमेशा तो हैवी नहीं पहन सकते हो ना, तो थोड़ा बहुत सिंपल सोवर सा जो लहंगा मैंने परचेस किया था करवा चौथ के लिए, और मैं इसको करवा चौथ में ही पहनी थी, जो मैं पिक्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इसके साथ मैं कोशिश करूँगी कि वीडियो भी बनाऊँ और आप लोगों को शेयर करूँ। ये देखो, मैं वीडियो इसलिए अभी करवा चौथ का नहीं शेयर कर पाई क्योंकि उससे पहले मेरा चैनल मैं ओपन मतलब नहीं खुला हुआ था, मैं चैनल नहीं खोली थी, तो इस वजह से मैं करवा चौथ का इस वीडियो नहीं डाल पाई और तीज का। तो मैं सारे वीडियो अब डालूँगी, मैं करवा चौथ, तीज, दिवाली, दुर्गा पूजा सारे का वीडियो डालूँगी मैं। तो इसलिए मैं ये करवा चौथ में पहनी थी क्रीमी कलर और रेड कलर में। इसका ब्लाउज़ और रेड का ये बॉर्डर कम्बिनेशन बहुत ही प्यारा सा लुक आया था। फाइनल मैं इसका वीडियो फ़ोटो शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। आप लोग ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि कैसा लगा मंत्रा का प्रोडक्ट। सस्ते में, रिजनेबल रेट में इतना अच्छा मिल जाता है कि आप लोग पहन सकते हो और ज़्यादा प्राइस भी ना लगे। तो मैं, अगर आप लोग को चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से परचेस कर लेना। और उसका रेट भी मैं डाल दूँगी कि कितने में मिला था ये। तो मैं अब करवा चौथ में तो सॉरी मैं नहीं डाल पाई थी क्योंकि मेरा चैनल नहीं था, बट मैं अब कोशिश करूँगी कि आप लोग को हर फेस्टिवल का हर चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ और दिखाऊँ, ताकि आप लोग भी ना बोलो कि मैम आप तो कुछ दिखाते नहीं हो। तो इस वजह से मैं सारे चीज़ आप लोग के साथ लहंगे का शेयर कर रही हूँ। और ये नीचे का स्कर्ट है भी बहुत ही प्यारा है, इस पर जो झूमर बना हुआ है ना वो बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। ये देखिए, ये स्कर्ट है, बहुत ही प्यारा सा है, सिंपल में शोवर सा है ये। ये देखिए गोल्डन कलर का कंट्रास्ट का वर्क है, और ये बहुत ही प्यारा सा झूमर है इसके साथ दो, एक इधर गया। ये देखिए बहुत ही प्यारा है, लुक आता है पहनने के बाद, इतना अच्छा लगा पहनने के बाद मेरे को, बहुत ही पसंद आया ये इस तरह का है। और इसके साथ ये झूमर मैं तो दिलवाई थी एक्स्ट्रा अलग से, बहुत ही प्यारा, ये कांच का बना हुआ है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये देखिए झूमर बहुत ही प्यारा लगने वाला है। तो आप लोग जब भी लहंगे होंगे परचेस करो तो उसके साथ झूमर एक्स्ट्रा देख कर परचेस करो, तो काफ़ी लुक एक अलग से लगता है और एक हैवी हैवी सा फील होता है, और एक प्यारा सा झूमर के साथ है, बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है ये देखो। तो अगर आप लोग को ये चाहिए तो मैं बता दूँगी, लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, परचेज कर लेना। और इस तरह से ये बना हुआ है लहंगा। मैं अभी इसका छोटा सा स्किप रिव्यू दिखाऊंगी पहन के। और ये देखो, इस पर गोल्डन कलर का सिर्फ डार्क गोल्डन में कंट्रास्ट है, और मतलब और नेट का ये बना हुआ सॉफ्ट कपड़ा है, ज़्यादा हैवी भी नहीं है, सिंपल में शोवर लहंगा। मैं पहले से भी बता रही थी कि जो भी मेरे पास लहंगे हैं अभी फ़िलहाल यहाँ पर, तो वो सिंपल और शोवर है और काफ़ी अच्छे भी है और काफ़ी रिजनेबल रेट में। अगर आप लोग को चाहिए तो मैं ज़रूर लिंक डाल दूँगी, और हर लहंगे के साथ मेरा एक वीडियो आप लोग के पास जाएगा, आप लोग ज़रूर देखना। और अगर आप लोग को चाहिए तो चेकआउट कर लेना। ये देखो, मोती का स्टोन का बना हुआ है इस तरह से है, इसको मैं फिर से खोल के दिखा दे रही हूँ।
ताकि आप लोग को समझ में आए, नहीं सोचे कि आधा आधा अधूरा दिखा रही हूँ मैं। ये इस तरह से है, ये देखो, ये रहा, इस तरह से घेरा है इसमें पूरा। ज़्यादा सा छः कली का है, इसको हम अनार कली भी कहते हैं इस लहंगे को, या फिश मॉडल में भी कह सकते हैं, फिश डिजाइन में आप इसको कह सकते हैं, या अनार कली लहंगे कह सकते हैं। इस तरह का है ये, और ये है बेल्ट, इसका रिबन बांधने के लिए दिया हुआ है, और बहुत ही प्यारा है सा है, क्रीमी कलर में, लाइट कलर सब लोग चाहते हैं कि थोड़ा लाइट कलर लें, क्योंकि रेड रेड तो हमेशा हो जाता। तो मैं इसके साथ मेरा रेड कलर का लहंगा ब्लाउज था, और ये है दुपट्टा है जो रेड कलर में पाइपिंग में है, और इसके साथ ये देखिए रेड कलर का दुपट्टा है। तो मैं ये तीनों को एक साथ करके दिखा रही हूँ। ये देखिए पूरे मेरा लहंगा का है, इसको हम गाउनी कहेंगे। इसका ये प्यारा सा दुपट्टा है, ये देखिए प्यारा सा दुपट्टा है ये, इस पर पिंक कलर का हल्का बॉर्डर बना हुआ है। ये गाउन है, ये भी मैं मंत्रा से परचेज की हूँ। और ये देखिए इसका ये ब्लाउज है, बहुत ही प्यारा सा बटन बना हुआ है, ये देख सकते हैं, ये रहा इसका बटन, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही खूबसूरत सा पहनने के बाद लगने वाला है, और काफ़ी कम रेट में मेरे को अच्छा सस्ता सा मिल गया था, और बहुत ही कम से कम बहुत ही अच्छा इसका वर्क है, जो वर्क है वो धागे का है। तो आप लोग वीडियो को देखते जाइए, मैं आगे बहुत सारे चीज़ शेयर करने वाली हूँ, और आप लोग के साथ पहन पहन के भी मैं दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से मैं लगूँगी इस कपड़े के साथ, तो आप लोग ज़रूर देखना। ये देखो इस तरह के धागे का वर्क है इसमें, और ये ब्लाउज है, दुपट्टा है, और ये स्कर्ट है, ये नीचे का स्कर्ट है, बहुत ही स्कर्ट इसका मेरे को बहुत ही पसंद आता है। इस पर का हम कुर्ती भी बनवाने वाले हैं इसके साथ, और आप लोग के साथ ये वीडियो शेयर करेंगे, इसके साथ जो हम स्कर्ट के साथ कुर्ती बनाएंगे वो भी शेयर करेंगे। बट अभी हम ये इसके ब्लाउज़ के साथ दिखा रहे हैं, इसके सेट मैचिंग के साथ दिखा रहे हैं, ये इस तरह का ये मैचिंग है, ये देख सकते हैं, ये इस तरह से हम पहनते हैं। अब देखिए साटिन का कपड़ा है, हल्का सिल्की में है, बट ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत सा है, और बहुत सिल्की कपड़ा है, इसको पहनने के बाद बहुत ही स्मूथ सा और हैवी हैवी फील नहीं होता है, और बहुत सिल्की कपड़ा में है, साटिन का है, और स्कर्ट है, बहुत ही प्यारा, एकदम पर्सनालिटी इतना अच्छा लगता है इसको पहनने के बाद। ये देखो इस तरह का है, ये देखो बहुत ही सिल्की और स्मूथ में है ये स्कर्ट। इसके साथ मैं ज़रूर अभी सारे को पहन, एक एक को पहन के मैं रिव्यू दिखाने वाली हूँ, तो आप लोग वेट करते जाओ और वीडियो को देखते जाओ, बोर मत होना। तो मैं ये स्कर्ट दिखा दी, और इसका जो गाउन टाइप का है ये ब्लाउज़ है जो मैं अभी दिखाई थी, ये ब्लाउज़ है, ये रहा, ये देखो इधर से मेरे कॉलर ब्लाउज़ है इसके साथ, जिसको ब्लाउज भी कर सकते हैं, या टॉप टाइप का है, तो ये रहा। इस पे धागे का बहुत कलरफुल में वर्क है जो मेरे को बहुत ही पसंद आया, ये भी मंत्रा से है, इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, आप लोग चाहे तो परचेस कर लेना वहाँ से, और रेट भी मैं डाल दूँगी, काफ़ी कम रेट में है, ये सबसे सस्ते वाले हैं। और ये वाली मेरे गाउन तो काफ़ी हैवी है, क्योंकि ये मैं भाई के शादी में ली थी, ये बहुत ही हैवी है, इसको मैं पहले से ही निकाल के रखी थी, क्योंकि ये काफ़ी हैवी है, इसको ये क्लोथिंग में तो आता ही नहीं है, काफ़ी हैवी है ये लुक, देख सकते हो आप, ये हल्का इस बहुत ही इस पर नेट का जॉर्जेट का लगा हुआ है, ये देखो, और का बहुत ही हैवी है। इसके साथ मेरा एक वीडियो गया है, आप लोग देख सकते हो, और एक सिल्क साटन में है, बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा ये ड्रेस है, और ये देखो गोल्डन का इसमें वर्क है, बहुत ही प्यारा सा है ये, आप देख सकते हो, और स्मूथ सा कपड़ा है इसका, हल्का ग्रीन कलर में इसको बोल सकते हैं, लाइट ग्रीन है ये, पार्टी वेयर है, इसको हमें एंगेजमेंट भाई के शादी में पहने थे, बहुत ही प्यारा था, तो मैं सोची आप लोग के साथ ये ड्रेस शेयर करूं ताकि आप लोग परचेज कर सकूं। और थोड़ा सा कॉस्ट है इसका, लेकिन बट ड्रेस काफ़ी अच्छा है ये वाला, तो इसको मैं इधर रखती हूँ, क्योंकि बहुत ही हैवी, और इसके साथ
इसी ड्रेस के साथ ये कुर्ते हैं जो कि ऊपर से पहन सकते हैं, जैकेट टाइप का है ये। ये देखिए, ये भी नेट का जॉर्जेट का बना हुआ है, बहुत ही प्यारा सा लुक है ये देखो, बहुत ही प्यारा सा। और इसके साथ गोल्डन कलर का कॉम्बिनेशन का वर्क है जरी का, और हल्का हल्का धागे का वर्क है, बट ये नेट का बना हुआ इस ड्रेस के साथ बहुत ही प्यारा सा लुक आता है। मैं इसके साथ रिव्यू आपका इसके दिखाऊंगी और शेयर करूंगी, बहुत ही प्यारा सा ड्रेस है। थोड़ा महंगा है, कॉस्टली है, बट बहुत ही अच्छा, आप लोग चाहे तो परचेस कर सकते हो। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और प्राइस के साथ डाल दूंगी, आप लोग ज़रूर परचेस करना। वहाँ पर ड्रेस काफ़ी अच्छा और काफ़ी सस्ते में मिल जाता है, रिजनेबल रेट में मंत्रा में, तो आप लोग ज़रूर वहाँ से परचेस करना और ज़रूर बताना मैं इस ड्रेस के साथ कैसी लग रही हूँ। और ये लास्ट है मेरा ये गाउन, जो कि मैं इसके साथ एक वीडियो डाली हुई हूँ, आप लोग वहाँ देख सकते हो। ये मैं राखी पे पहनी थी, बट उस समय मेरा चैनल स्टार्ट नहीं था तो मैं नहीं डाल सकी। मैं कोशिश करूँगी, हाँ एक वीडियो मेरा इस पे गया है, आप लोग देख सकते हो। ये मैं भाई के शादी का टाइप का मेकअप करके वीडियो मेरा डाला हुआ है, आप उसमें चाहे एक मतलब गेस्टिंग मेकअप लुक में ये वीडियो गया डाला हुआ है, आप लोग देख सकते हो इस पर। और बहुत ही प्यारा सा ये ड्रेस है, ये देखो, ये सिंपल गाउन सा है। इसको आप जब भी शादी वादी घर में हो और शादी गेस्ट आने वाले हो या ऐसे, तो मतलब शादी में आप प्रेफर कर सकते हो इस तरह का ड्रेस को। हल्का हल्का वर्क है और ज़्यादा हैवी नहीं है, ये सिंपल में सोवर सा गाउन टाइप का लुक आएगा, वन पीस टाइप का। और इस पर हल्का हल्का गोल्डन कलर, ब्लू मेरा फेवरेट कलर, ब्लू रेड और ब्लैक है तो ये ब्लू है कलर है। इस पर गोल्डन कलर का वर्क है जो कि बहुत ही प्यारा है, और कपड़ा बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही स्मूथ है, इसको ना हैवी। और गोल्डन कलर का ये देखिए, इस पर बॉर्डर बना हुआ है। और इसको पहनने के बाद मैं इतनी स्लिम और इतनी फैशनेबल और मॉडर्न टाइप की लगती हूँ, इसका वीडियो मैं डाली हूँ। मेरे को ये मेरा फेवरेट कुर्ता है, जिसको कुर्ता भी कर सकते, वन पीस लॉन्ग गाउन है ये। और ये देखिए, यहाँ पे इतना मोती का बना हुआ है, स्टोन का, बहुत ही प्यारा है। तो इस तरह से मेरा ये चार पांच ड्रेस था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ, मंत्रा से मंगाई हूँ। आप लोग चाहें तो परचेस कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी। और एक जो मैं पहनी हूँ वो भी गाउन है, ये भी मैं मंगाई हूँ, आप लोग देख सकते हो ये ड्रेस। तो मैं आगे भी जब भी शॉपिंग करूँगी तो आप लोग के साथ शेयर करूँगी, और हर ड्रेस में वीडियो लेकर आऊँगी, नए नए अच्छे अच्छे आप लोग के पसंद लाए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना क्या सही है क्या गलत है, और क्या आप लोग को देखना है क्या नहीं देखना है, तो मैं इस तरह का वीडियो लेकर आऊँगी और आप लोग को बताऊँगी। तो चलिए मैं इसका छोटा छोटा स्किप दिखाती हूँ और इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। बाय बाय।